हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राजू टेक एंड ब्लॉक्स। दोस्तों, अगर आपके पास 3 लाख रुपए तक पूंजी है और आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी नॉन लाइसेंस नॉन रजिस्ट्रेशन वाली का एजेंसी लेकर इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटी जो बिना लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके बारे में, ये आपको कहाँ से ख़रीदना है, कितने रुपए की पड़ेगी, कितना मार्जिन आएगा, कहाँ पे आप इसको अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास पूंजी कम से कम 3 लाख रुपये है, यानी कम से कम इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 लाख रुपये होना ज़रूरी है, तभी आप इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर पाएंगे। और 3 लाख रुपए लगा के महीने का आराम से आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, अगर अच्छे से अच्छी तरीके से आप इस बिज़नेस को करेंगे। तो दोस्तों, करना क्या, सबसे पहले आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ख़रीदनी है। इस स्कूटी में ना इस चलाने के लिए ना लाइसेंस की ज़रूरत है और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही गाड़ी का नंबर मिलता है, ठीक है। ये ऐसे एक साइकिल की तरह यूज होती है, यह है इलेक्ट्रिक स्कूटी। हम बात करते हैं इसके रेट के बारे में। तो आपको कम से कम होलसेल में ख़रीदना पड़ेगा कम से कम 6 पीस। हमने जहाँ पे बात करी है इसके बारे में, तो उन्होंने बोला है कि कम से कम एक लॉट में 6 आपको स्कूटी उठानी पड़ेंगी। अगर हम स्कूटी के रेट की बात करते हैं, तो स्कूटी आपको पड़ेगी 20,000 प्लस टैक्स, यानी 20,000 प्लस GST 18%। तो अगर इस तरह के रेट देखते हैं, तो आपका ये पड़ता है 24,000 रुपये की स्कूटी आ गई। उसके बाद इसमें आपको लेना पड़ेगा चार्जर और बैटरी, वो दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी 10,000 रुपये की प्लस GST, तो 18% GST आएगी आपकी, तो ये हो गया आपका 12,000। यानी कि दोनों चीज़ अगर इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा पड़ता है 36,000 रुपये। यानी 36,000 रुपये में आपको पूरा सेट मिल जाएगा, 36,000 रुपये। उसके बाद आप कहीं से भी इसको मंगाएंगे, इसका जो भाड़ा आएगा, तो कम से कम 1,000 से 1,500 रुपये हम भाड़ा जोड़ लेते हैं एक स्कूटी के पीछे, तो आपका कम से कम 38,000 रुपये में एक स्कूटी आपको पड़ेगी। आप कहीं पे एजेंसी डाल करके किसी बड़े चौराहे पे या किसी टाउन एरिया में आप 2 दुकानें ले लीजिए, 1 दुकान ले लीजिए, उसमें आप इस स्कूटी को वहाँ पे एक एजेंसी के रूप में डाल सकते हैं। एक स्कूटी को मिनिमम आप 45,000 रुपये तक बेच सकते हैं। अगर आप स्कूटी को 45,000 रुपये के बेचेंगे, तो एक स्कूटी पर आपको कम से कम 7,000 रुपये मार्जिन आएगा। आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आप कम से कम 15 स्कूटी महीने में बेच पाते हैं, तो कम से कम 1 लाख रुपये आराम से आप कमा लेंगे। तो अगर आपके पास 3 लाख रुपए का अमाउंट है, तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का आराम से 1 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बिज़नेस करना है, तो नंबर मैं दे दूंगा एजेंसी वाले को, जहां से आपका या आप स्कूटी उठाएंगे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप जाइए, वहाँ पर विजिट करिए, स्कूटी देखिए, आपकी समझ में आता है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए और स्टार्ट करके अच्छा पैसा कमाइए। तो दोस्तों, जिसके पास अमाउंट है कम से कम 3 लाख रुपए का, वही लोग स्टार्ट करें, कम पैसे वाले इस बिज़नेस में हाथ ना लगाएं, क्योंकि जो पैसा लगाएंगे वो डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा अमाउंट वाले इस बिज़नेस में आप ट्राई कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेहनत करेंगे तो बिज़नेस आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।